नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जमुई सदर अस्पताल के कुव्यवस्था, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन का एक दिवसीय धरना आज दिनांक 22 सितंबर 2020 को सदर अस्पताल जमुई परिसर में सदर अस्पताल के कुव्यवस्था, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन जमुई का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सह सिविल सर्जन का अर्थी जुलूस निकाला गया। अर्थी जुलूस को भ्रमण कराया गया। इस धरना प्रदर्शन सह अर्थी जुलूस का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। राजकुमार सिंह ने कहा कि जमुई सदर अस्पताल वर्तमान समय में बद से बदतर स्थिति से गुजर रहा है। अब अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिला महासचिव विवेक सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही चरम पर है। आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही के मरीजों के मौत हो रही है। अस्पताल में दलाली के भी चरम पर है। रात में पहुंचे मरीजों को निजी क्लिनिक भेजा जाता है, जहां पर मरीजों को लूटा जाता है। महासचिव नीरज साह ने कहा कि अस्पताल में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। एक्सरे के नाम पर इंजरी रिपोर्ट बनाने के नाम पर भारी भरकम रकम वसूला जाता है। उपाध्यक्ष सोनू रावत अब कुंदन यादव ने कहा कि जिले के सभी प्रखंड अस्पतालों में भी मरीजों को भ्रष्टाचार से गुजरना पड़ता है। वही संजय भगत अब अंशुमन योगी ने कहा कि अस्पताल में दवाई की घोर कमी, अब अस्पताल में गंदगी का भी अंबार लगा रहता, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह अब प्रवक्ता सूरज वर्णवाल ने कहा कि रक्त की दलाली अस्पताल में चल रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा, समेत कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर अमर कुमार, बबलू सिंह, राजू कुमार, मनोज गुप्ता, साजन साव, हरेराम कुमार, निहाल सिन्हा, हीरा गुप्ता, सचिन रविदास, पूजा कुमार, छोटू भगत सहित बड़ी संख्या में परिवर्तन कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। करो।